और देखिए गोवा की बात करें तो गोवा में एकनाथ शिंदे खेमे की बैठक इस वक्त जारी है। शिंदे की बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा, बैठक में मुंबई लौटने का वक्त भी तय किया जाएगा। तो बेहद महत्वपूर्ण है उस गुट के लिए जो शिंदे के साथ है, वो इस वक्त आगे की रणनीति पर चिंतन मनन कर रहे हैं। तो देखिए एकनाथ शिंदे मास्टर स्ट्रोक कुल मिलाकर कहे तो इन्होंने ही खेला है। अब इनके बारे में जो जानकारी उपलब्ध है उसके बारे में आपको बता रहे कि आखिर एकनाथ शिंदे कौन है जिन्होंने उद्धव ठाकरे की सरकार को ध्वस्त कर दिया। उनके बारे में जानकारी दे रहे एक ऑटो ड्राइवर से अपने सफर की शुरुआत की थी और अब किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे। इनका जन्म 9 फरवरी 1964 को हुआ था। शिक्षा पढ़े लिखे कहां तक है, 11th तक पढ़े लिखे हैं और शुरुआती जीवन इनका रहा है 11th के बाद से ऑटो चलाने लगे थे रवि। बिल्कुल, और राजनीति की बात करें तो 80 के दशक में शिवसेना से वो जुड़े, यानी कि शिवसेना का दामन थामा। 1997 में ठाणे महानगर पालिका से पार्षद चुने गए, यानी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एंट्री की उन्होंने। और उसके बाद 2001 में नगर निगम सदन में विपक्ष के नेता बनाए गए एकनाथ शिंदे। पॉलिटिकल करियर की शुरुआत जो है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। 2001 में नगर निगम सदन में विपक्ष के नेता एकनाथ शिंदे बने और उसके बाद से लगातार जो इनकी शख्सियत थी वो मजबूती के साथ उभरते नजर आई। लेकिन मेकिंग ऑफ शिंदे क्या है, शिंदे आखिर कैसे बने एक मजबूत महाराष्ट्र की सियासत में, अपनी पकड़ उन्होंने कैसे बनाई। 2002 में ठाणे के शिवसेना दिग्गज आनंद दिघे का निधन हो गया। उसके बाद ठाणे में एकनाथ शिंदे आगे बढ़े, उसके बाद से ही कहा जा रहा है कि शिंदे जो है वो मजबूत राजनीतिक शख्सियत के रूप में उभरते नजर आए। 2005 में नारायण राणे ने शिवसेना छोड़ दी थी और उसके बाद रवि एकनाथ शिंदे का कद, राजनीतिक कद बढ़ता गया। बिल्कुल, राणे के जाने से पार्टी में शिंदे का कद और बढ़ा, जैसा कि अंजलि कह भी रही थी। और राज ठाकरे के पार्टी छोड़ने पर शिंदे और मजबूत हुए, यानी कि जो एक शिवसेना के अंदर जो बड़े चेहरे थे वो जा रहे थे। और इसी बीच ठाकरे परिवार के बेहद करीबी भी शिंदे बन गए, यानी उद्धव ठाकरे के काफी नजदीक आते चले गए। शिवसेना टिकट पर 2004 से लगातार 4 बार वो विधायक चुने गए। बेटे श्रीकांत शिंदे भी शिवसेना टिकट पर कल्याण से सांसद हैं इस वक्त, यानी कि उनके बेटे भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो ये एक तरीके से सफर था, एक तरीके से उनकी यात्रा थी, किस तरह से राजनीति में वो उठते चले गए, उभरते चले गए। अखिलेश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे, हमारे सहयोगी अखिलेश। अखिलेश, ये बात तो हम देख रहे हैं जो हम दर्शकों को बता भी रहे थे कि शिंदे का उभार कैसे हुआ, लेकिन यहां से जो जर्नी है शिंदे की वो किस तरह की मानी जाएगी? क्या इसके पहले की जो जर्नी थी उससे वो बिल्कुल अलग होगी? एक बड़े घटक दल, एक बड़ी पार्टी के शैडो में शिंदे का कद बढ़ेगा या फिर घटेगा? ये देखिए, शिंदे का कद और भी बढ़ेगा क्योंकि 50 लोग उनके समर्थन में हैं, जिसमें से 40 विधायक शिवसेना के हैं। अब तक वो बहुत ही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे क्योंकि वहाँ उद्धव ठाकरे थे, संजय राउत थे और भी बड़े नेता थे, लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़े चेहरे के रूप में वही होंगे और बीजेपी के साथ सभी जो बातें होंगी वो एकनाथ शिंदे की होगी। तो एकनाथ शिंदे का यहाँ कद बढ़ेगा, डिप्टी सीएम के लिए उनका नाम चल रहा है और उसके साथ ही जो बाकी उनके साथ में विधायक है उन्हें क्या क्या मंत्रालय दिया जाएगा उस पर भी उनकी चर्चा होगी। लेकिन जो आज बैठक हो रही है उस बैठक में वो डिसाइड करेंगे और डिसाइड करने के बाद मुंबई जब पहुंचेंगे फिर बीजेपी के जो नेता हैं उनसे उनकी बैठक होगी, उसमें तय किया जाएगा, उसके बाद ही यहाँ पर शपथ। नहीं अखिलेश, ये जरा बताइए कि सरकार गिराना तो एक मकसद था ही, लेकिन दूसरा बड़ा मकसद था पार्टी को पूरी तरह से हाईजैक कर लेना। अब जब ये कहा जा रहा है कि ज्यादा आसार इस बात के हैं कि बीजेपी के साथ ये बागी गुट जो है वो विलय कर जाए और उसके बाद सरकार बनाई जाए, तो क्या वो अपना दावा छोड़ने के लिए तैयार है? क्योंकि अभी भी एकनाथ शिंदे कहते हैं कि असली शिवसेना तो हम है। जी बिल्कुल, देखिए वो कह ही रहे हैं कि हम लोग शिवसैनिक हैं, हमने शिवसेना नहीं छोड़ी है और सबसे बड़े समर्थन हमारे साथ है। तो वो ये मान रहे हैं कि अब शिवसेना का अगर बड़ा एक तबका हमारे साथ है, विधायक हमारे साथ हैं, तो ओरिजिनल शिवसेना जो है वो हमारे साथ है। अब ये बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई होगी कि उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी का नाम और चिन्ह कैसे बचा पाते हैं और ये कैसे साबित कर पाते हैं कि जो ओरिजिनल शिवसेना है वो है या ये एकनाथ शिंदे है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने कोई भी अलग पार्टी नहीं बनाई है और अब जो समर्थन दे रहे हैं बीजेपी को और उसके साथ सरकार बनने जा रही है,
तो अब देखना ये होगा कि ये शिवसेना के नाम पे ही क्लेम करेंगे या फिर आगे चलकर किसी दूसरी पार्टी में मिलेगा। बिल्कुल।